नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पम्मी सिंह और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पर इससे पहले नजर डालेंगे महानगर की खबरों की ओर। जमाई षष्ठी पर सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। 25 मई को दोपहर 2 के बाद सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी हो जाएगी। नवान से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को सार्वजनिक चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। आरबीआई के फैसले के बाद 2000 रुपए के नोट आपको बैंक में जाकर बदलवाना या फिर जमा करवाना होगा। ऐसे में 23 मई यानी मंगलवार से बैंकों ने 2000 रुपए के नोटों को बदलने और जमा करने का कार्य शुरू कर दिया है। सीबीआई की पूछताछ के बाद फिर से जनसंपर्क अभियान में पहुंचे तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने विष्णुपुर से सभा की। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि भाजपा उनके खिलाफ केंद्र एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उन्हें भाजपा सीबीआई और ईडी की डर से लोगों को काम करने से नहीं रोक पाएगी। मोगरा थाना अंतर्गत त्रिवेणी बाली घाट पर स्नान करने के दौरान किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया। पुलिस ने शव बरामद कर मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए चुनचुरा सदर अस्पताल में भेज दिया। अब रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर मनीष सिसोदिया के साथ बदसुलूकी करने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।